मेटल्स की। लेकिन एक ध्यान आपका यहाँ पर ओवर द वीकेंड जो खबरें आ रही थी अनियन के एक्सपोर्ट्स को लेकर, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। हमारे साथ एपीएमसी सब्जी मार्केट वाशी के ट्रेडर रामदास पावले हैं। रामदास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। एक्सपोर्ट ऑफकोर्स यहाँ पर बैंड है, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और कुछ सरकारों को यहाँ पर एक 99,000 टन के हिसाब से एक्सपोर्ट की बात जो है उसको हरी झंडी दी गई है। ओवरऑल एक्सपोर्ट्स यहाँ पर नहीं खुले हैं, वो एक क्लैरिटी है जो बाजार को अभी भी समझ में आ रही है। लेकिन ये जो नंबर है, इसे आप कैसे रीड इन करते हैं? क्या इंडिया के पास इनफ प्याज है इस वक्त इस एक्सपोर्ट ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए? हेलो जी, आज महाराष्ट्र में प्याज हर साल से कम उत्पादन है और ये कम उत्पादन की वजह से अभी तक तो एक्सपोर्ट चालू नहीं किया। जो खाने वाला है ग्राहक है, ग्राहक को भी कांदा का भाव ऊंचा नहीं होना चाहिए और खेती वाले को भी, फार्मर को भी कांदा का भाव इतना कम नहीं होना चाहिए। वो दोनों बैलेंस रख के गवर्नमेंट ये प्याज का सब जो पॉलिसी है वो पॉलिसी बना के रखा है। अभी अभी गुजरात में जो कांदा दिया ये करने को, एक्सपोर्ट करने को, वो सफेद कांदा 2,00,000 टन वो एक्सपोर्ट करने को दिया है। महाराष्ट्र में कांदा एक्सपोर्ट करने के लिए परवानगी नहीं दी। तो रामदास जी, महाराष्ट्र में इस बार फसल का क्या हाल है? पिछले साल के कंपैरिजन में कितनी कम है और आपको क्या लगता है कि आगे जाके पूर्ति हो पाएगी ये गर्मियों के 2-3 सीजन के हिसाब से? 2023-24 में जो बारिश हुआ महाराष्ट्र में उसका प्रमाण कम से कम 80-90% है, पूरा बारिश नहीं हुआ है। और ये बारिश कम होने की वजह से अभी कई कई खाने पीने के लिए भी पानी नहीं है। जो हर साल टाइम पे पानी मिलता था लेकिन अभी पानी देने में भी दिक्कत आ रही है, इतना महाराष्ट्र में ये दुष्काल का स्थिति है। और इसके लिए उत्पादन कम है लेकिन इसके लिए बाजार भाव स्थिर रहने के लिए ये जो गवर्नमेंट निर्णय ले रही है कि ग्राहक को और खेत वाले को इतना दोनों को भी नुकसान नहीं होना चाहिए वो बैलेंस रख रही है, लेकिन उत्पादन तो कम है इस साल भी। तो कहाँ तक आप प्राइसेस, कहाँ तक रामदास जी आप भाव जाता हुआ देखते हैं और आपको लगता है कि जब तक नहीं, आज का मुंबई मंडी में 1,000 से लेके 1,550 तक का कांदा का प्याज का बाजार है मुंबई के मंडी में। तो वो बाजार है ना, वो बाजार कम से कम 20-22-25 तक तो खेत वाले को मिलना चाहिए। वो हिसाब से मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने पॉलिसी करना चाहिए। तो एज ऑफ नाउ अगर आपकी होना चाहिए, रामदास जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है अभी प्याज के लिहाज से? आपने कहा 20-22 है। हाँ, और मिल रहा है 10 से 15। हाँ, 10 से 15 मिल रहा है, वो इतना कम नहीं, फार्मर को नहीं परवड़ता इतना कम भाव में। अभी अभी देखो फिलहाल मार्च अप्रैल में प्याज का बाजार 700-800 हजार रुपए ऐसा रहता था हर साल में, लेकिन इस साल में कम से कम 1,550 तक तो है। तो प्रोडक्शन कम है, उत्पादन कम है, इसकी वजह से ये भाव है, लेकिन हर साल से अच्छा है। ओके, तो आप कह रहे हैं 700-800 का बाजार इस वक्त 1,000-1,500 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर उत्पादन कम है। तो कितना कम है आगे जाकर क्या और तकलीफ देखने को मिल पाएगी कंज्यूमर्स को? नहीं नहीं, अभी आगे अगर वही बैलेंस रखेगा गवर्नमेंट तो इतना दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अगर पूरा सर सकट अवर एक्सपोर्ट को परमिशन दिया तो आगे जाके प्याज का बाजार तेजी रहेगा। तो आपको लगता है जो करंट भाव है यही बरकरार रहेंगे, यहाँ से बहुत ज्यादा तेजी या गिरावट की एक्सपेक्टेशन आगे जाके फिलहाल नहीं है? बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा मंदी भी नहीं होना चाहिए। फार्मर भी जो पैसा लगाता है उधर, मेहनत करता है, सब करता है, उनको भी जो पैसा फार्मर को भी उत्पादन में मिलना चाहिए वो भी सोचना चाहिए गवर्नमेंट ने। तो फार्मर की कॉस्ट क्या है अभी? अभी नहीं, अभी मुंबई मार्केट का ये बाजार 1,000 से लेके 1,550 तक क्विंटल का बाजार है, तो ये बाजार कम ही है ना। पॉइंट टेकन रामदास जी, बहुत मार्केट में आज का बिक्री, मुंबई मार्केट में आज का बिक्री है, ये बाजार कम हो रहा है, ज्यादा कम से कम 20 के ऊपर बाजार मिलेगा खेत वाले को, तो भी प्याज परवड़ता है उत्पादन करने में। ओके, और रामदास जी कितनी फसल है इस बार और यूजली कितनी आती है और सामने किस तरह की डिमांड है? अभी फिलहाल हर साल से 70-80% इस साल प्याज का ये है उत्पादन है, जो 100% प्याज का उत्पादन होता है उससे 70-80% मतलब 20-25% उत्पादन इस साल कम है जी। और वो जो है वो सब ग्राहक को सबको
उसका तेजी नहीं होएगा, वो भाव में परवड़ेगा, वो सबसे सब चल रहा है, लेकिन इतना कम नहीं होना चाहिए। जो अपना 20-25 तक 1 लाख टन का एक्सपोर्ट करता है कांदा अपन हर साल प्याज, वो प्याज एक्सपोर्ट इतना होएगा तो इधर भी बाजार तेजी रहेगा। पॉइंट टेकन। रामदास जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ऑफ कोर्स प्याज का मैथमेटिक्स है जहाँ पे वो कह रहे हैं कि 20-22 रुपए होना चाहिए, 10 से 15 फिलहाल चल रहा है, पिछले साल 7 से 8 रुपए था, तो क्लियरली पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर अच्छा खासा है, लेकिन जिस तरह की कॉस्टिंग है उसके लिहाज से अभी भी यहाँ पर कम बाजार। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो हम बात करेंगे कुछ और एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की जहाँ पर तेज़ी है, बताएंगे आपको स्ट्रैटेजीज इस ब्रेक के बाद।